लोभ के इन उपायों से आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति, नजर दोष होगा समाप्त। सनातन धर्म में पूजा अर्चना, मांगलिक कार्यों और तर्पण समेत आदि में लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग में कई सारे औषधीय तत्व मौजूद होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का बेहद महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ चमत्कारी उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनको करने से इंसान को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं लौंग के उपायों के बारे में। लौंग के उपाय। अगर आप लंबे समय से धन का नुकसान झेल रहे हैं, तो ऐसे में एक दीपक में लौंग डालकर भगवान की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का लाभ मिलता है। अगर घर के किसी सदस्य को बुरी नजर लग गई है, तो ऐसे में 5 साबुत लौंग लेकर उसे नजर लगे बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा वार कर जला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से नजर दोष समाप्त होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए 7 से 8 लौंग तवे पर जलाकर घर के किसी कोने में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले मुंह में 2 लौंग रख लें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान को काम सफलता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु दोष सता रहा है, तो प्रत्येक शनिवार को लौंग का दान करें। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।